का बढ़िया है टी शर्ट है पगड़ी बाबा बड़ा। तीन दिन से इंतजार कर रहे हैं है? आप लोग भी हमारा मिजाज खराब करके रखे ठीक लगा कि नहीं लगा? अरे अच्छा लग रहा है तो तड़प के हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आपका क्या नाम है? इरशाद बाबू। अरे तो जरा सा इरशाद कीजिए और बढ़ा दीजिए। अच्छा अच्छा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जो माइक ठीक हमको बजा के देता है ना हम दुआ देते हैं उसका डबल निकाह होता है डबल शादी बढ़ा दो। आप रिलैक्स हो गए? अरे भाई रिलैक्स हो गए चालू मैं शुरू कर दूं तो वाल्मीकि ने क्या कहा? परारूपम परादीपम दो रूप होगा एक आसमानी एक जमीनी। अब इतराज वेदो पुराण का जवाब मेरे कुरान ने दिया। अब आपका नाम है मुसलमान ना वो साहिब ईमान जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान। अब कुरान से दलील दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। इसलिए हम लोग जमाते अहले सुन्नत के उलमा हैं। हम लोग उंगली नहीं करते हैं उंगली दिखाते हैं। ये महावरा है मौलाना जामे से पूछिए ना भाई ये महावरा है। उंगली करना मतलब परेशान करना और उंगली दिखाना मतलब सही रास्ता दिखाना। और हम जमाते अहले सुन्नत के उलमा ने बुजुर्गान दीन और अपने नबी से सीखा है कि उंगली मत करो उंगली दिखाओ। हिंद का राजा हम सब का खाजा अताए रसूल खाजाए ख्वाजगा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने उंगली दिखाया तो पूरा आना सागर प्याले में समा गया। पीरे पीरा मीरे मीरा शौखे शीला शेख अब्दुल कादिर शीलानी ने 100 साल के मुर्दे को उंगली दिखाया तो मुर्दा जिंदा हो गया। जिस नबी पे हम ईमान रखते हैं मेरा मुस्तफा डूबे सूरज को उंगली दिखाया तो डूबा सूरज बाहर निकल आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम सुन्नी उलमा उंगली नहीं करते हैं उंगली दिखाते हैं। अब आपका नाम है मुसलमान कुरान से दलील सुनो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर जबकि अल्लाह तरफों से पाक। सारे जिम्मेदार उलमा बैठे हैं कोई मिसबाही है कोई फैजी है कोई सकाफी है सबसे पूछिए ना तफसीर जलालन शरीफ में लिखा है नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी है। मगर शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब को जमीन से आसमान पे बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ परवरदिगारे आलम महबूब को बोला भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा। आसमान से जमीन के जानिब अल्लाह ने भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के आदमी ही आदमी बना के बशर ही बशर बना के इंसान ही इंसान बना के आदमी ही आदमी बना के ए अल्लाह भेजने में नूर क्यों बुलाने में बशर क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे अगर नूर से नहीं होंगे मेरा महबूब तो हमसे कैसे लेंगे। नूर से इसलिए रब से लेते रहे रब से लेते रहे रब से लेते रहे और इंसान बना के भेज दिया के दुनिया भर में सबको देते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। मुस्तफा नूर से इसलिए कि रब से लेते रहे और बशर इसलिए सबको देते रहे। अल्लामा जाहिद साहब आपका नाम है भूल जा रहे हैं बार बार और मौलाना सुरुद्दीन साहब तवज्जो चाहते हैं एक जुमले पे कि कुछ मौलवी लोग फंस गया और अपनी किताबों में माशाल्लाह नबी हमारी तरह है। बोलिए माशाल्लाह। माशाल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए माशाल्लाह। मैंने एक को पकड़ा और पूछा कैसे बोलता है तू कि नबी माशाल्लाह मेरी तरह है मौलाना अलाउद्दीन कैसे नहीं है? हम लोगों का भी हाथ है नबी का भी हाथ है। हम लोगों को अभी पांव है नबी का भी पांव है।
हम लोगों की जबान है, नबी की भी जबान है, हम लोगों की भी आंखें हैं, नबी की भी आंखें हैं। मैंने कहा मर्दूदो, कैसे दारुल उलूम से पढ़कर आए नबी को अपनी तरह कहने वालों? अरे तुम चलाओ तो तेरा खानदान ना चले, तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, और मुस्तफा इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। मैंने कहा कि नबी अपनी तरह कहते हो, सुनो सुनो, नबी के मदीने शरीफ में दावत दी गई, सहाबा बढ़ गए, बुखारी शरीफ की हदीसे पाक है भाई, सहाबा बढ़ गए। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह आदमी बढ़ गए, नबी ने फरमाया गूंधा हुआ आटा ले आओ। नबी की बारगाह में गूंधे हुए आटे को पेश किया गया, नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला, आटे में मिलाया तो रोटियां बढ़ गईं, रोटियां बढ़ गईं। ए मौलवियों, अगर तू माशाल्लाह नबी की तरह अपने आप को कहते हो, जब तेरी बीवी अपने अपने घर में आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी तुझसे पूछेगी, ए मौली साहेब सठिया गए का, अब आटा में थूके हुए? तो तुम कहना कि आटा में थूक नहीं रहे, रोटी बढ़ा रहे। ए मौली साहेब, रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के तेरा पतीसी शहीद कर देगी। क्या पता चला, तुम जब अपना थूक डालो तो बीवी से मार खाओ, और मुस्तफा खरे कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दे तो कयामत के लिए वो कुआं का पानी मीठा हो जाए। तुम थूक डालो, तुम मार खाओ, मगर मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई, दौड़ कर आए या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया करीब आ जाओ, दस्ते तबूवत को बढ़ाया, लवावे दहन को लगाया, अबू कतादा की आंख की गुठली को अबू कतादा की आंख में रखा। अबू कतादा फरमाते हैं पहले से मेरी आंख में रोशनी ज्यादा हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे वाल्मीकि ने कहा परा रूपम परा दीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। आने में नूर ही नूर, आए नूर बनके, और जमाने में छा गए हुजूर बनके। न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब, जब तक आए तब तक नूर ही नूर बनकर आए। अबे बोलने वालों सुनो, मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूं, अल्लाह ने महबूब को आदमी की सूरत में इसलिए बनाकर भेजा कि मेरे बंदो आदमी की सूरत में महबूब को भेज रहा हूँ ताकि खाने पीने का सलीका आ जाए, तजारत करने का सलीका आ जाए, बिजनेस करने का सलीका आ जाए, शादी ब्याह का तरीका आ जाए, खाने पीने का तरीका आ जाए, उठने बैठने का तरीका आ जाए, नमाज पढ़ने का तरीका आ जाए, ज़कात देने का तरीका आ जाए, हज करने का तरीका आ जाए। जुमला सुनो, मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। परारूपम परादीपम, आगे वाल्मीकि ने कहा जो आएंगे उसका दो रूप होगा, एक आसमान एक जमीनी, उसके बाद क्या कहा? परारूपम परादीपम, वो दीप बन के आए, प्रकाश बन के, उजाला बन के, रोशनी बन के, चिराग बन के, नूर बन के। अबे मधुपुर वालों, रोशनी जलती है कि चलती है? चिराग नूर प्रकाश सब जलता, डरते का भाई सब जलता है ना? अरे बोलो ना भाई, सब जलता है ना? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो, उस नूर की जानिब, उस चराग की जानिब, जो चल कर जाएगा उसे चला दिया जाएगा,
और जो जल कर जाएगा जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कौन जला है और कौन मोहब्बत से चला है। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। मधुपुर वालों, कर्बला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। जिंदाबाद। अभी वाल्मीकि जी से बहस कर ही रहे थे, नसीरुद्दीन साहब की बला मदद लेते हैं आपसे। तब तक अनकही के तो पे हमको एक और मंत्र मिला, और मंत्र था लहारम आलम लहा दशम महाद। तड़प के बोल न दीजिए, लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। सारे लोग नबी के इश्क में हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा है कि हम बोलते रहे, सही बता रहे हैं। इतना दिल खुश हुआ है आज, मेरा दिल प्रधान जी के दावत पे बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया है। बड़ा अच्छा लग रहा है। ए मौलाना जाहिद साहब कितने महीने से आप हैं? एक साल डेढ़ साल। और आप आपके साल से आज तक हमको बुलाए क्यों नहीं? इतने लोग सुनते हैं माशाल्लाह, पूरा हिंदुस्तान हम सफर करते हैं, आपको यहाँ बुलाने में क्या लग रहा है? तो नजराना गांव मधुपुर का 12,000 कर लेते, कम ज्यादा कर लेते। तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। लहालम आलम लहा दशम महातम, इसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमारे अपने उलमा अपने शोरा खुतबा का अगर नाम लें तो आप लोग कहिएगा मौलाना कादरी साहब आप भी आलिम है, ये लोग सब आलिम है, इमाम है, कैसे मान लें कि लहालम आलम लहा दशम महातम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे मान लें? तो मैं कहा मेरा कहना है जबरदस्ती मत मानिए, सच और हक है तो जरूर मानिए। और हमरा सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, ये तो खाजा के भाव में रहता है। सुनो, जबरदस्ती मत मानो, नहीं मानोगे सीधे अयोध्या जाएंगे, तुलसीदास से पूछेंगे। महाराज तुलसीदास अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में मंत्र लिखा है लालम आलम लादशम महादम, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास महाराज ने कहा हे मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी, बहुत पहले मैंने लोगों को बता दिया है लालम आलम लादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा नी पापन इल्लल्लाह परम परम धर्म बिब्राय बिगुन कोई जबे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारा गुनाह छड़ जाएगा, और पढ़ ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन जाएगा, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, अरे होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मिटाकर अपनी हस्ती को सरापा जुस्तजू हो जा, तू जो चाहेगा वो होगा, जो वो चाहता है तू हो जा। सुभान अल्लाह। जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारा गुनाह झड़ जाएगा, और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन जाएगा, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। और जब मोमिन का सीना मदीना हो जाएगा तो खुद ब खुद वो नबी का दीवाना हो जाएगा। क्या कहना सुभान अल्लाह, हक हक। और जब नबी का दीवाना होगा तो धीरे धीरे हौले हौले चलेगा और कहेगा मैं नबी का दीवाना हूँ दीवाना, धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं अब मदीना।
क्या बात है, क्या बात है। और गाता हुआ जाएगा लपे यही तराना कि यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अरे वो लड़का, ए नारा कौन लगाता है, तुम दौड़ा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, लाओ बाबा, ए जवाब दो, जवाब दो। इब्रान नारा क्यों नहीं लगाता, नारा लगाओ सर। जलसा में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यार सुनला, यार सुनला, मरहबा, मरहबा, ना लो, यार सुन। अच्छा आप लोगों को नारा लगाने हम बोलते हैं तो जो बच्चा बेचारा उठा देते हैं, इतना कमजोर है, देखने में उस पर रहम लग रहा है, बड़ी नारा जानता है, मगर उसके बाप के लिए दुआ निकल रही है कि उस बेटे को जन्म दिया है कि किसी दुनियादार का नारा नहीं, मदीने के ताजदार का नारा। क्या बात है, आमीन सुम्मा आमीन। ओ साजिद बाबू, उस चैनल वाला यहां हम लोग के साथ में क्या नाम है, ए इरफान बाबू तुम नारा लगा तो लगाओ, कैसे क्रीडी वाला नारा लगाता बताओ इन लोगों को, लगा उठ गए, खड़े होकर, खड़े होकर जवाब दो, जवाब दो। सुनिए, मोमिन के सीना में कीना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हक है, मोमिन की सीना हो तो वो मुस्तफा का मदीना हो। वाह वाह, बेशक, तब तो यही जीना हो जी, है कि नहीं। सुनिए, कान खोल करके सिर्फ तकरीर सुन के मजा मत लीजिए, तकरीर सुन के अमल कीजिए, बेशक बेशक, दूसरे की जमीन हड़पना बंद कीजिए। वाह क्या पॉइंटेड बात, वाह, भाई का हिस्सा हड़पना बंद कीजिए, माँ बाप को सताना बंद कीजिए, वरना जब लड़का जवान हो जाता है, लड़का जब जवान हो जाता है मौलाना नसीरुद्दीन साहब, तो वो माँ बाप को तकलीफ देता है, जी जी, नहीं खाना खिलाता है, वो बदमाशी करता है, मगर ये बच्चों हम लोग सब सब किसी ना किसी माँ के बेटा है कि नहीं जी। अरे बोलो यार, अगर हम लोगों की माँ ठंड के मौसम में भीगे बिस्तर पर ना सोती और हम लोग को अपने सीने पे ना सोलाती तो सर्दी बुखार होके हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए होते, बोलो सही या गलत। आप लोग को मालूम आज का नौजवान क्या करता है, मालूम है क्या करता है, ए मौलाना साहब कि करीब में कौन चौक है जहाँ मिठाई उठाई मिलती है, बालू जोरी, जब शादी होने से पहले लोग लड़का लोग बालू जोरी जाता है, दो रसगुल्ला लाता है, दो उलू चोप लाता है, दो समोसा लाता है, और ला के क्या करता है, घर आता है, घर के दरवाजे पे बूढ़ी माँ बैठी है, बूढ़ी माँ को देता है, बूढ़ी माँ खाती है, पोते को खिलाती है, पोती को खिलाती है, पानी पीती है, आंचल फैला कर दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा, पूरा इलाका देखते रहता है, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रहता है। लेकिन जैसे शादी हो गई, पालो जोरी चौक गया, आलू चोप लिया, समोसा लिया, रसगुल्ला लिया, बूढ़ी माँ बैठी है दरवाजे पर, नहीं दिया, अंडरग्राउंड माल चला गया, होम मिनिस्टर मैडम अहलिया मोहतरमा, अब बीवी भी लेके काफी खुश कि बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी मिला है, माँ को नहीं खिला रहा और ये बुतवा अंडरग्राउंड हमको लाके दे रहा है, जो बेटा माँ का नहीं होगा वो दूसरे का क्या होगा, वो बीवी कहती है। मगर ए नौजवानों, मौलाना कादरी के जुमले को हंस के न टालो, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनो,
उलमा बैठे, पूछो बीवी को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जिसकी बीवी घर में खुश रहती है, बुजुर्गों ने फरमाया है अल्लाह ताला उस घर में रोजी में कुशादगी अता फरमा देता है। बीवी को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, लेकिन शादी के बाद पहले जोरी मोड़ जाओ तो दो रसगुल्ला नहीं चार लो, दो आलू चोप नहीं चार लो, दो समोसा नहीं चार लो, दो दो माँ को खिलाओ, दो दो बीवी को खिलाओ। अरे बीवी खाएगी तो तुम लोगों का घर जन्नत नुमा हो जाएगा, और जब माँ खा के खुश हो जाएगी तो हर बेटा जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब। ये लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, ये लोग बराबर तकरीर सुनते हैं ना, सब लोग हमको बोल रहे हैं हजरत वो वाला, हजरत वो वाला, सब हीट है, हम जो देंगे मजमा में फीट है। लेकिन भाई ना बात समझो, क्या खराब लगा, ये खराब लगा नहीं ना, एक बात और सुनिए, इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए, हाँ इमाम की इज्जत कीजिए, ऐ मौलाना जाहिद आप ही के बारे में बोल रहे हैं, नहीं सुनिएगा उल्टा बोल देंगे, इमाम की इज्जत कीजिए, इमाम की बात मानिए, इमाम का एहतराम कीजिए। इसलिए जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, कल मैदान महशर में उसी इमाम के पीछे जन्नत जाएंगे। इसलिए इमाम की तनख्वाह भी बढ़ाइए और इमाम का हमेशा दिमाग और दिल ठीक रखिए, मूड खराब मत होने दीजिए, वरना इमाम का अगर मूड खराब हो जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए क्या गड़बड़ होगा, शिरनी लाएंगे आप, नजराना 100 रुपया देंगे आप, इमाम का मूड खराब रहेगा, आप कहिएगा हमरा अब्बा के नाम पर भेज दीजिए, उसका टेंशन दिमाग में, वो अपने बाप के नाम पर भेज देगा। बोलिए भेजेगा नहीं भेजेगा, इसलिए इमाम का दिमाग ठीक होना चाहिए, इमाम को टेंशन मत देना। मगर आप लोग कम है, बाप मरा अब्बा, बाप इंतकाल हुआ आपका, और नियत बताएगा इमाम साहब, हैं? लगता है इन लोग का दिमाग जो है 5G का चल रहा है, जब तक इमाम नियत नहीं बताएगा जनाजे नमाज नहीं होगी। तो कौन बेटा है जो तुम नियत आज तक नहीं याद किया, हैं? बाप की जमीन तुम लोगे, LIC तुम लोगे, नौकरी तुम लोगे, खेत खलियान तुम लोगे, और नियत बुलाएगा मौली साहब, और 3 दिन होगा तो कुरानखानी में इमाम को बुलाएगा और अपने हाथ पांव चढ़ा के सिगरेट फूकेगा, इमाम साहब क्या खत्म, बाप तुम्हारा मरा तो तुम खत्म पढ़ो ना, इमाम साहब ठिका लिया क्या, बोलिए आप गलत बोल रहे, बोलिए आप, अरे आपका बाप है, उलमा बैठे पूछ लीजिए, किसी से दुआ करा लो, अपने माँ बाप के लिए जो उसकी औलाद दुआ करेगी उस दुआ के मध्य मुकाबिल किसी की दुआ नहीं। और मैं बाबांगे दोहल ऐलान करके जा रहा हूँ कि इमाम की दुआ एक तरफ, मौलवी की दुआ एक तरफ, खतीब की दुआ एक तरफ, शायर की दुआ एक तरफ, नकीब की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। इसलिए माँ से दुआ लेते रहिए और इमाम का एहतराम करते रहिए, और अगर हमारी जिंदगी बाकी रही तो फिर कभी मुलाकात आपसे होगी, तो मैं वादा करके जा रहा हूँ कि मैं यहीं से तकरीर